शिव कुमार वर्मा ट्रेडर्स चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे BEML में काफी तकड़ी गिरावट आई है। उससे पहले चाहे तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। चैनल का 5x5 रूल आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% तक का ही लिमिट रखिएगा और अगर हमारी ट्रेड्स को कॉपी करना है तो 299 का आप एडवांस पैकेज ले सकते हैं। चलिए चलकर शुरुआत करते हैं। आज BEML में इतनी तकड़ी गिरावट क्यों आई है, आखिर क्या है माजरा और ये स्पिन ऑफ क्या होता है शेयर का। गिरने की असली वजह है कंपनी ने अपने कंपनी के शेयर्स को स्पिन ऑफ कर दिया है। आइए जरा चलकर इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले अगर आपको बात करें, जब भी कॉर्पोरेट ऐसा एक्शन लेता है जिसमें स्टॉक का बोनस देता है, स्टॉक को स्प्लिट करता है या फिर कंपनी को दो अलग अलग कंपनी में डिवाइड करता है, जिसको हम स्पिन ऑफ भी कहते हैं, दैट विल ऑलवेज लीड टू हायर वॉल्यूम एंड हायर प्राइस। और यही हुआ, पिछले 10 दिनों में स्टॉक ने करीब करीब 20% का गेन दिखाया है। अब स्पिन ऑफ जो शेयर कर रहे हैं वो BEML जो लिमिटेड कंपनी थी उसके दो हिस्से कर दिए जाएंगे। एक रहेगा BEML लैंड एसेट लिमिटेड, तो ये हो जाएगी पहली कंपनी, नई जो एडिशनल कंपनी बनेगी अलॉन्ग विद BEML ओरिजिनल कंपनी। तो ये दो कंपनी हो जाएंगी और इसका स्पिन ऑफ यानी कि इस कंपनी को स्प्लिट करना दो कंपनी में, उसकी एक्स डेट है आज 8 सितंबर, जिसकी वजह से आज शेयर में काफी गिरावट आएगी। अगर आप आज इसका शेयर खरीदेंगे तो आपको नई कंपनी के शेयर मुफ्त में नहीं मिलेंगे, इस बात को हम क्लियरली बोल रहे हैं। टुडे देयर इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय द शेयर एंड गेट द बेनिफिट ऑफ द एडिशनल न्यू कंपनी एट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर। कैसे होता है इसका काम, देखिए आज आपके पोर्टफोलियो में तो लॉस दिख रहा होगा काफी ज्यादा, उसकी घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि आपके नए शेयर आने में 7 दिन का समय लगेगा। ये एक स्टैंडर्ड डीमैट अकाउंट प्रोसेस होता है, तो 7 दिन तक आपको कम से कम ये शेयर के लॉस दिखेंगे, बट आपको नेट प्रॉफिट है। हम बताते हैं कैसे। अगर हम बात करें, डबल बेनिफिट मिलता है इस तरह की कंपनी में, प्राइस एक्शन आता है तो वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता है और दूसरा लॉस बुकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप लोगों को। टैक्स बेनिफिट कैसे होता है आइए जरा समझते हैं एग्जांपल के साथ में। मान लीजिए किसी ने BEML का शेयर जो कल बंद हुआ था 1831 के आसपास, तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए 1830 का भाव लेते हैं, 100 शेयर खरीद के रखे हुए हैं, तो उनकी जो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड है वो 183,000 रुपए का हो गया। आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टेड उतना ही रहेगा तो आपकी वैल्यू 183,000 की ही रहेगी, बट आपके पास में 100+100 शेयर्स ऑफ BEML लैंड लिमिटेड के हो जाएंगे। तो इस तरह से उम्मीद लगाई जा रही है कि यहां पर आज भाव 915+-5% के आसपास आने की उम्मीद हो सकती है अगर कंपनी का इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है फेस वैल्यू की तरह से। तो ये मार्केट खुलने के बाद आपको दिखाई देगा, 915 से लेकर कुछ रेंज में इसके आसपास हमारे हिसाब से भाव होना चाहिए, और अगर हमारी कैलकुलेशन गलत है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मार्केट फोर्सेस विल डिटरमाइन द प्राइस ऑल्सो। ये बहुत अच्छा बड़ा ऑप्शन है खरीद के रखने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, बट किस प्राइस पर ये हम आपको टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बताएंगे। एंड दिस विल डेफिनेटली लीड टू मच हायर प्राइसेस क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी कंपनी के यहां पर, और जैसे जैसे कंपनी के प्रोडक्ट नए नए ऐड होते जाते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता है, जिससे शेयर होल्डर को रिटर्न ऑन कैपिटल भी बढ़िया मिलेगा। इसकी ब्रोकर्स की बाय की रिकमेंडेशन है, और अब ये स्टॉक क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफी बड़े बड़े ऑर्डर चल रहे हैं तो ये काफी अच्छे तरीके से ऊपर जाने के लिए तैयार है। एक कंसोलिडेशन फेज आएगा, उसके बाद ये काफी तेजी से ऊपर उठेगा हमारे हिसाब से वैल्यूएशन। इसको खरीदने के लिए फिर वैल्यू रेंज में खरीदेगा या सपोर्ट के पास खरीदेगा, और क्या है वो सपोर्ट, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम बता सकते हैं। वी लाइक देयर सेल्स बट मार्जिन्स में थोड़ा सा काम कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। रिटेल निवेशक हमेशा 2-5% की लिमिट को ही अपने पास रखिए। आज की अगर खबर देखी जाए तो लेटेस्ट जो इन्होंने अनाउंस किया था, मीटिंग हुई थी अगस्त 18 को, जिसमें BEML लैंड एसेट कंपनी को स्प्लिट करने की बात कर रहे थे यहां पर, इसमें नई कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, और इसके लिए जो यहां पर रिकॉर्ड डेट है वो February 9th है, तो आप बोलेंगे Friday 9th of September, तो आप बोलेंगे आज क्यों हुआ, क्योंकि रिकॉर्ड डेट के लिए अगर आप आज शेयर खरीदेंगे तो आपके अकाउंट में वो 9th को नहीं होगा, T+2 डिसलमेंट का, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जिसने कल खरीदा है उसको या उससे पहले खरीदा है उसको ये शेयर मिलेंगे फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ BEML। दिस इज ऑल BSE एंड NSE वेबसाइट इन्फॉर्मेशन। और इन्होंने यहां पर क्लेरिफिकेशन किया है, जो डीमर्जर हो रहा है BEML लिमिटेड एंड BEML लैंड एसेट लिमिटेड, जिसके लिए इन्होंने ऑर्डर भी इश्यू कर दिया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और
अगर हम बात करें तो जो ये कंपनी बनी है इसमें यहां पर अप्रूवल जो बोर्ड को मिला था इसके लिए, इसमें सेबी लिस्टिंग की ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर अकॉर्डिंगली इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ये स्टॉक एक्सचेंज को भेजी थी। और स्प्लिट ऑफ होने से पहले बीएमएल लिमिटेड जो 6 नॉमिनी शेयर होल्डर के साथ में मिलकर टोटल 100,000 शेयर थे इनके और वैल्यू थी करीब 100,000 रुपए, जिसका 100% वैल्यूएशन यहां पर इन्होंने अपने पास रखा था। बट अभी तो मार्केट कैप बहुत ज्यादा है तो शेयर भी बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से शेयर होल्डर के लिए काफी अच्छा फायदा मिलेगा बीएमएल के शेयर्स होने की वजह से। तो यहां पर अगर हम इसका कल का भाव देखें तो 15 मिनट के चार्ट पर देखिए, इसने एक पैटर्न, न्यूट्रल पैटर्न बनाया है, यहां से खुला और वहीं ऑलमोस्ट बंद हुआ, ऊपर गया फिर नीचे भी गया, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल था जिस वजह से स्टॉक ने भी थोड़ा सा वॉलेटाइल दिखाई। अच्छी बात यह है कि ये कंफर्टेबली 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है। ये कैंडल काफी इंपॉर्टेंट कैंडल थी जहां से ये ऊपर चढ़कर इसके ऊपर गया, और बहुत जल्दी अगर इसका प्रोजेक्शन देखा जाए तो 50 डे मूविंग एवरेज काफी जल्दी से 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करेगा विद इन 1.5 वीक टाइमलाइन। वॉल्यूम, यहां से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ था, देखिए जब कंपनी का एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने वाला था इस अनाउंसमेंट के लिए, और यहां से फिर ये स्टॉक काफी तेजी से ऊपर बढ़ा है आगे आने वाले समय के लिए। वहीं से एलिगेटर इंडिकेटर ने गैप बनाना शुरू किया, देखिए गैप छोटा छोटा था और अब ये गैप कितना बड़ा हो गया। तो एलिगेटर इंडिकेटर आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि मोमेंटम कितना रहेगा और आगे कहां होगा। अब ये गैप ऊपर वाला थोड़ा कम होने लगा है, हो सकता है कुछ टाइम ये कंसोलिडेट करे यहां पर लेवल के लिए और आज की गिरावट के बाद प्राइस भी एडजस्टेड हो जाएगा इसका। मैकडी ने पिछले 2 दिनों से इसको सेल सिग्नल जनरेट किया, दैट इज इंटरेस्टिंग टू नो। यहां पर देखिए ये भाव जब ऊपर के लेवल से नीचे गिरता है तो मैकडी उसको अर्ली इंडिकेट करता है। अब इंटरेस्टिंग होगा क्या ये जल्दी रिवर्स करेगा कि इसको होल्ड करके रखेगा सेलिंग के लिए। सुपर ट्रेंड का सपोर्ट जो है 1690 के आसपास है, तो ये बहुत अच्छा बाइंग लेवल रहेगा इसका। और आरएसआई का लेवल 66 है जो कि एक स्लाइटली इंडिकेट करता है कि ये प्राइस में काफी अच्छा मोमेंटम था और ऊपर की तरफ जा रहा था। यहां पर देखिए कितना बढ़िया कंसोलिडेशन फेज चल रहा था बीएमएल में, ये कंसोलिडेशन हुआ 1300 रुपए से बढ़कर सीधा 500 रुपए बढ़कर 1800 रुपए पर ट्रेड कर रहा है जैसे ही कॉर्पोरेट ने इसका अनाउंसमेंट किया। तो ये इस तरह के कॉर्पोरेट एक्शन विल लीड टू द वॉल्यूम इन द प्राइस एज वेल एज इन दिस, तो ये बहुत अच्छी बात है। चाहे तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। जय हिंद, जय भारत।